कैसे हैं आप सब लोग। चलिए सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी जो मतलब कि मानसिक तौर से जिनको लग रहा है कि वो लोग बीमार हो रहे हैं, वो लोग प्लीज़ अपने अपने, क्योंकि उनके अपने अपने पर्सनल डॉक्टर्स होंगे जिन पर उन लोगों को भरोसा है, तो उन लोग सब उन लोगों के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। यहाँ पर मतलब कि इस तरह का कोई कमेंट कर कर कि मानसिक तौर से हम लोग बीमार हैं, उसका इलाज यहाँ पर नहीं होगा, उल्टा आप ज़्यादा बीमार हो जाओगे। ये सब वीडियोस देख कर ना ज़्यादा बीमार हो जाएगा, फिर इसका इलाज, फिर आप लोग के डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा फिर। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग ये सब वीडियोस ना देखें। जो मानसिक तौर से बीमार है ना, वो लोग ये आदि पराशक्ति नूर मिशन चैनल को ना देखें, ठीक है? क्योंकि वो आगे आगे चलकर फिर उनका दिमाग और खराब होता जाएगा, मानसिक तौर से और बीमार होते जाएंगे, फिर उनका ट्रीटमेंट नहीं है, ये वन वे है, वन वे, कम बैक नहीं है, मतलब वापसी नहीं है, आगे ही निकलना पड़ेगा फिर, समझ लिए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नूर और नूरिज्म की। नूरिज्म लॉ 108, नूर जो है ये किसी धर्म से, नूरिज्म या नूर को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इनका कोई किसी धर्म से कोई कनेक्शन है, ऐसा मुझे कल्कि ने कहा, ऐसा मुझे महादेव और महाकालिन ने भी पहले ही एक्चुअली बता दिया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब 2021 में जब कल्कि की एंट्री हुई मेरी यात्रा में, तब वो बहुत चीज़ें मतलब बताते गए मुझे। तो एक चीज़ बता दूँ, कल्कि की एंट्री मेरी लाइफ में 2021 में हुई है, उससे पहले महादेव, महाकाली, शेषनाग, विष्णु जी, हनुमान जी, शनि देव, ये एक टीम वर्क की तरह मेरे साथ मेरी यात्रा करवा रहे थे। 2021 में मेरी लाइफ में कल्कि की एंट्री हुई, जहाँ से मुझे कल्कि के बारे में पता चला। उसके पहले मुझे कभी कल्कि के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ कल्कि कोई नाम, ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं सुना था। तो नूर और नूरिज्म, नूर जो है उसका मतलब जो मुझे समझाया गया, वो लाइट, वो डिवाइन लाइट, वो रोशनी, इस तरह से मतलब मुझे जो बताया गया। नूरिज्म का मतलब जो बताया गया था वो ये, जब मैंने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि नूरिज्म का मतलब महादेव महाकाली ने बताया, नूरिज्म का मतलब द एंटायर यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, नूरिज्म, नूरिज्म लॉ 108। तो जो नूरिज्म लॉ 108 है ये उन्होंने ही नाम दिए हैं मुझे, ये मिशन जो है ये उन्होंने, महादेव महाकाली ने ही दिए हैं मुझे। तो नूरिज्म लॉ 108 मतलब जितने भी लॉ है वो सारे अंडर नूरिज्म आ जाएंगे, और आ रहे हैं और आ चुके हैं काफी हद तक। तो सारे लॉ जो है वो अंडर नूरिज्म, मतलब उनकी कंट्रोल में, नूरिज्म लॉ 108 मतलब नूरिज्म के लॉ चलेंगे पूरी दुनिया में। जो नूरिज्म डिसाइड करेगा, वो जो एनर्जी है वो मतलब यूनिवर्स जो डिसाइड करेगा, एंटायर यूनिवर्स, वही लॉ तैयार होंगे, और वैसे ही लॉ तैयार हो रहे हैं बाहर, जो भी हो रहा है ना वो सब कुछ वैसे ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो इसलिए नूरिज्म लॉ 108, तो इसी तरह ही मतलब कि थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए, थोड़ा सर्च मारिए नूर और नूरिज्म के बारे में, नूरिज्म का क्या मतलब है, मतलब क्योंकि मुझे तो मैंने बताया कि महादेव जो टीम मतलब जो मुझे मेरी यात्रा करा रहे थे मुझे, और आगे चलकर जो कल्कि जी ने भी मुझे जो बताया वो यही बताया कि नूरिज्म द एंटायर यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड नूरिज्म कंट्रोल कर रहा है, नूरिज्म के अकॉर्डिंग ही पूरा पूरी दुनिया इस वक्त चल रही है, उनकी मतलब एनर्जी में है, जो वो चाहेंगे वैसे ही कानून तैयार होंगे, जो वो चाहेंगे वही होगा। तो
बुद्धिज्म का मतलब यही है, तो आप लोग भी ढूंढिए ये कौन सा धर्म है, मतलब नूर क्या मुस्लिम है, इस्लामिक है, मतलब आप लोगों ने किताबों में पढ़ा है ना इस्लामिक है ये है, मैंने तो किताबें पढ़ी ही नहीं है, मुझे तो जो मिलता गया मैंने वो लिया, मैंने तो किताबें पढ़ी ही नहीं, एक दो बार कुछ जानने की कोशिश की अपनी यात्रा के दौरान, तो वो भी मुझे परमिशन नहीं थी महादेव विष्णु जी ने, मतलब किसी ने भी मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया कि मैं देखूं, इसीलिए उतना की बता पा रही हूँ जितना को उन्होंने मुझे बताया। तो आप लोग भी थोड़ा एफर्ट करिए, ढूंढिए नूर और नूरिज्म का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया कि नूरिज्म लॉ 108, तो पूरी दुनिया जो है नूरिज्म लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रही है, आगे भी चलेगी, नूरिज्म ही कंट्रोल करेगा, जो नूरिज्म जो लॉ तैयार करेगा वही लॉ लागू होगा बाहर, उसे चाहे मोदी जी करें चाहे कोई भी करें, वही लॉ, मतलब नूर, वो जो नूर एनर्जी है ना वो डिसाइड करती है क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, वो काम कर रही है ना, तो कल की जो है वो काम कर रही है, तो वो देखते हैं कहाँ पर क्या सही होना चाहिए, कैसे कैसे कानून होने चाहिए, कौन सा कानून किसके लिए सही है, सबके लिए क्या होना चाहिए, वो सब कुछ वही एनर्जी डिसाइड करती है, वही कर रही है, तो इसी तरह ही सारा काम चल रहा है, मतलब तो यही बात है, तो इसलिए थोड़ा बाहर निकलिए, किताबें कभी कभी थोड़ा खुद को भी पढ़िए, अपने अपनी बॉडी को भी पढ़िए, शरीर अगर इसको ही पढ़ लिया जान लिया तो फिर किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे इजी और कुछ है ही नहीं, मतलब अगर आपने अपने आप को पढ़ लिया या अपने पूरी बॉडी को पढ़ लिया तो बस यही है, तो थोड़ा मतलब मेहनत करिए, आप लोग तो चाहते हो बस बैठे बैठे मिल जाए आ जाए सब कुछ, ऐसा नहीं आता, सब कुछ गवाना पड़ता है, सब कुछ जो मेहनत से कमाया भी होता है ना वो सब कुछ भी गवा देना पड़ता है, सिर्फ इतनी सी एक झलक उस परमात्मा की पाने के लिए ना सब कुछ लुटा देना पड़ता है, समझे ना, सिर्फ यहाँ बैठकर कमेंट करोगे कुछ भी बोलोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, यकीन मानिएगा, जो बोलते हैं ना सब सच बोलते हैं, पर हम गीता पर कभी हाथ नहीं रखते, समझ लिए ना, जो बोलते हैं हम सब सच बोलते हैं पर गीता पर हम हाथ नहीं रखते, मतलब गीता पर हाथ रखकर मुझे सच बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि लो मैं गीता पर हाथ रखकर दिखा रही हूँ और आप लोग मानिए मैं सच बोल रही हूँ, नहीं हो सकता मैं गीता पर हाथ रखकर झूठ बोल दूँ, ऐसे ही होता है ना कोर्ट वगैरह में क्या होता है, इसीलिए तो वो कोर्ट जज वकील सबकी वाट लगेगी, सबकी लगेगी क्या होता है वहां पर, चोचले जो होते हैं गीता पर हाथ रख कर कसम खाकर बता रहे हैं हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, तो वहां पर 1% भी कुछ सच नहीं होता है, जो भी बोल रहे होते हैं सब झूठ बोल रहे होते हैं गीता पर हाथ रख कर, जी हाँ अनुभव करना पड़ता है, जीना पड़ता है, और एक बात कह दूं कल्कि जी है ना, कल्कि जी इसीलिए सब सब विषय पे काम करेंगे क्योंकि उनको वो सारा कुछ अनुभव कराया गया है, सब कुछ उनको अनुभव कराया गया है, उस हर चीज से उनको गुजरना पड़ा है सिर्फ जानने के लिए कि उनको किस किस पे काम करना है और कहाँ कहाँ क्या झोल चलता है, कहाँ कहाँ क्या सच है और कहाँ कहाँ क्या झूठ है, अगर कल्कि जी को किसी भिखारी के जीवन के बारे जानना है ना कि वो भी किस उसमें मांग रहा है और वो क्या मतलब उसका जीवन होगा और उसको क्या फील आ रहा होगा वजह कैसा है, तो कल्कि जी के जीवन में भी ऐसा समय आएगा जहां पर उनको भीख मांगनी पड़ी होगी उन भिखारियों के साथ ही, जहां पर उनको उन भिखारियों के साथ बैठकर खाना भी खाना पड़ा होगा, भिखारियों के ऐसे लाइन में बैठकर ना खाना और उनको अनुभव करना पड़ा होगा कि क्या होता है, फिर वो उस पर काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बात बताई कि फिर वो भिखारियों पर काम करेंगे कि भिखारियों के लिए उनको क्या करना है, तो इसी तरह उन्होंने उनको सब कुछ उनको उस कीचड़ से गुजरना पड़ा,
उस हर एक कीचड़ से, ऐसे मतलब कल्कि कलंकी, कल्कि तो मतलब प्यार से कल्कि, कल्कि एक्चुअली कल्कि का मतलब कलंक, मतलब कलंक, पता नहीं कितने कलंक और पता नहीं कितने कीचड़ से उनको गुजर गुजर के निकलना पड़ा होगा, तो इसलिए समझिएगा ये सब बातें। नूर और नूरिज्म को थोड़ा सा सर्च मारिए, ढूंढिए, बताइए मुझे भी क्या है नूर और नूरिज्म का मतलब। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ ढूंढ कर लाएं आप लोग।